डीआरडीओ स्टोर असिस्टेंट का आखिर फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, आखिर स्टोर असिस्टेंट का फाइनल कट ऑफ क्या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के फाइनल कट ऑफ से ज्यादा जा सकती है या कम जा सकती है। डीआरडीओ के स्टोर असिस्टेंट के लिए सर एक वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो क्या जा सकती है, आप एक वीडियो बना दीजिए। ऐसे कमेंट काफी कैंडिडेट ने किए। आज की वीडियो में आपको यही चर्चा करने वाले, आखिर आप लोग का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है एक एक्सपेक्टेड वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में, मैं हूं रविंद्र। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये रहा जो आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का मैंने फाइनल कट ऑफ जारी किया था, यानी कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग का इतना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, काफी कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या स्टोर असिस्टेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट से कम, क्या कट ऑफ जो है वो कम जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल जा सकता है, इसका भी एक रीजन है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये कट ऑफ है आप लोग का स्टोर असिस्टेंट का, आप लोग का स्टोर असिस्टेंट का फाइनल कट ऑफ जो कि एक एक्सपेक्ट किया है मैंने। ठीक है, ये यहां पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट से अगर तुलना करेंगे तो आप लोग का ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक से पॉइंट में आप लोग का कोई भी परसेंटाइल है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आखिर आप लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वालों का भी कट ऑफ देखा आपने, आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू फायरमैन का कट ऑफ जब जारी किया था तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग का कट ऑफ जो है वह काफी कम है। तो इसका भी एक रीजन है सर कि देखिए आप लोग का टाइपिंग में काफी कैंडिडेट जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए, जिनके की अच्छा परसेंटाइल स्कोर था 99.90 से 99.98 तक भी जिन कैंडिडेट का परसेंटाइल बना है तो उन कैंडिडेट का भी टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो गया है। ठीक है, तो एक रीजन मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों का कट ऑफ जो है कम जा सकता है, लेकिन इतना भी कम नहीं जा सकता है कि आप लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत तो कम जाएगा, ये तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट कह रहे थे कि सर जो आखिर जो हमारा स्टोर असिस्टेंट का कट ऑफ है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट से कम जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है, ज्यादा ज्यादा वो नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, पॉइंट से ही आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा कि कम ज्यादा हो सकता है स्टोर असिस्टेंट का आप लोग का फाइनल कट ऑफ। तो काफी कैंडिडेट ने कहा था कि सर आखिर हम लोगों के लिए आप वीडियो नहीं बना रहे हो, स्टोर असिस्टेंट का आखिर फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, एक एक्सपेक्टेड वीडियो बना दीजिए। तो आज मैंने आप लोगों के लिए काफी टाइम से मैं लगा हुआ था कि आप लोग का भी आप लोग का एक फाइनल कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड बनाकर वीडियो प्रोवाइड कर दूं, तो वो आज मैंने कर दिया है, वो आप देख सकते हो क्या आखिर आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। फिर मैं बोल रहा हूँ हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड वीडियो है, यानी कि आपका जो कट ऑफ है वो कुछ भी जा सकता है। जब वो डीआरडीओ का फाइनल डिसीजन आएगा यानी फाइनल कट ऑफ जब आएगा तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर है कितना कट ऑफ आपका जा रहा है। इस कट ऑफ को देखकर आप लोग निराश मत होना, मैं पहले भी बोल चुका हूं बिल्कुल भी डिमोटिवेशन नहीं लाना है, ये कोई एक्चुअल पर जो है आप लोग का कट ऑफ नहीं जारी किया मैंने, कुछ डेटा होता है। देखिए एक एक्चुअल कट ऑफ जारी करना किसी के बस में नहीं होती है, क्योंकि इतना सारा डेटा जो है सारी चीजें वो प्रोवाइड नहीं होती आप लोगों के पास। एक अनुमान लगा सकते हो आप लोग, एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ इस कैटेगरी में हमारा इतना परसेंटाइल जा सकता है, इस कैटेगरी में इतना कैंडिडेट आप लोगों का क्वालिफाई हुआ है, इस कैटेगरी में इतना कैंडिडेट जो आपका अपीयर हुआ है, इस कैटेगरी में आप लोग का इतना कैंडिडेट जो है डिस्क्वालीफाई हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें एक एक्सपेक्टेड होती हैं, किसी भी तरीके से आप इसको ये नहीं कि इसको लेकर आप डिमोटिवेशन ले आए, तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मेरा तो मानना यही है कि जो भी कैंडिडेट हैं सारे को सभी कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हो और अच्छे से अपने कैरियर को संभाले और आगे भी ग्रो करें अपने कैरियर को लेकर। हमारा तो एक यही एक वो रहता है कि आप लोग हमेशा सक्सेसफुल बनो। कट ऑफ जारी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग बिल्कुल भी हताश हो जाओ कि नहीं मेरा तो इसमें कट ऑफ में आ ही नहीं रहा है,
तो अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ऐसा नहीं है। डीआरडीओ यानी कि जब भी डिपार्टमेंट आप लोग का फाइनल कट ऑफ जारी करेगा, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपने क्या, आपका कट ऑफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर भी जो भी भाई जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं बार बार कहता हूँ डिमोटिवेशन नहीं लाना है। यहाँ तक आए हो आप अपने बात में बहुत बड़ी चीज है, यानी कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है कि आप लोग यहाँ तक आए हो। जो भी कमियां रह जाती हैं तो वो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आप लोग क्लियर करोगे, जो भी आप लोग की कमी रह गई है। तो कभी भी हताश नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं होना है। सफलता जो है वक्त जरूर मांगती है, लेकिन जब आप लोग सफल होते हो ना, तो सारी प्रॉब्लम एक बार में आप लोग के समाप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी आप लोग को बिल्कुल भी डिमोटिवेशन नहीं लाना है। आप लोगों के रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ। तो ये रहा आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो। अगर हमारे चैनल के थ्रू आप लोग को कोई भी जानकारी मिलती है या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके से हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम कभी। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।